हाय गाइस, इस वीडियो में पहला हम लोग तरीका देखेंगे जिसके थ्रू आप डेट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो कि है न्यू डेट। न्यू डेट और पैरेंथेसिस क्रिएट अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट विथ करंट डेट एंड टाइम। अगर आप न्यू डेट और पैरेंथेसिस के बीच में कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं तो ये एक डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है विथ करंट डेट एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा वैर तारीख इक्वल न्यू डेट और बिटवीन पैरेंथेसिस कोई भी मैंने वैल्यू नहीं दिया है। और अगर इस तारीख को आप डिस्प्ले करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट तारीख, इस केस में आपको करंट में अभी अभी जो मैं अभी बना रहा हूँ, अभी कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है, ये आपको डिस्प्ले होकर स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो चलिए इसको क्विकली देख लेते हैं। सो मैंने कोड लिखा हुआ है वैर तारीख न्यू डेट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहा हूँ मैं तारीख, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू है उसको मुझे दिखाई देगा। रन करते हैं, ये करंट डेट एंड टाइम आपको दिखाएगा यहाँ डिस्प्ले कर। देखिए फ्राइडे है July 6, 2018 और अभी आपका ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर दिखाई दे रहा है। और ये डिपेंड करता है मेरे मशीन के यहाँ इस टाइम जोन में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मुझे यहाँ गलत टाइम अगर मेरा सेट रहता तो मुझे वो एग्जैक्ट जो गलत टाइम होता वो गलत टाइम यहाँ दिखाई देता। सो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कि आपने देखा कि अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, आपको करंट डेट एंड टाइम चाहिए तो आप सिंपली ये रूल फॉलो कीजिए क्रिएट करने का डेट ऑब्जेक्ट, और आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा करंट डेट एंड टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।